में सिराज ने मैदान पर जो परफॉर्मेंस दिखाया, इसके बाद उन्होंने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को अपने नाम, उन्होंने उनका दिल जीत लिया। सभी क्रिकेट फैंस मोहम्मद सिराज के दीवाने हैं, सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट सभी मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की तारीफ कर रहे हैं। एशिया कप के फाइनल में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, 6 विकेट झटके और पूरी तरीके से लंकाई बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करके रख दिया। और मोहम्मद सिराज को इसके बाद एशिया कप के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो उन्होंने दिया, तो उन्होंने दिल जीतने वाला एक काम किया कि इस पूरे एशिया कप में आपने भी देखा होगा कि बारिश बहुत बाधा बनी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कोई भी मैच, एक मुकाबला अगर छोड़ दिया जाए, एक आध मुकाबला, तो बाकी सभी मुकाबलों में बारिश ने खलल डाला। कल भी बारिश बाधा बन सकती थी, लेकिन बारिश आई, उससे पहले ही भारत ने फाइनल मुकाबला जीत लिया था, मैच खत्म हो चुका था। तो सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने की इस एशिया कप में, तो वो थे ग्राउंड्समैन। ग्राउंड्समैन ने मैदान को सुरक्षित रखने में, बारिश से बचाने के लिए बहुत मेहनत की। ग्राउंड्समैन ने बार बार बारिश आ रही थी तो उन्हें कवर्स लेकर के मैदान पर आने पड़ते थे, और इतने बड़े ग्राउंड को कवर से ढकना और फिर जो पानी भर जाता था बारिश के बाद, उस पानी को बाहर निकालना, मैदान को बचाए रखना पानी से कि जरा सा भी पानी मैदान पर ना जाए, वरना मैदान गीला हो जाता है, और मैदान गीला हो जाता है तो क्रिकेट जो 15 मिनट में मैच शुरू हो सकता है, उसे 1.5 घंटे भी लग सकते हैं मैच शुरू होने में। लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने बहुत मेहनत की, अपना जी जान लगा करके उन्होंने क्रिकेट फैंस को, जो दर्शक मैदान पर मैच देखने आए थे, जो दर्शक टीवी पर मैच देख रहे थे, उन्हें निराश न होना पड़े, इसलिए ग्राउंड स्टाफ ने बहुत मेहनत की। तो उनकी मेहनत को सराहते हुए मोहम्मद सिराज को जो मैन ऑफ द मैच के रूप में अवार्ड मिला, जो प्राइज मनी मिली, वो उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को, वर्कर्स को दान दे दिया, उन्हें समर्पित कर दिया। इस जेस्चर ने, मोहम्मद सिराज के इस जेस्चर ने सभी फैंस को दीवाना बना दिया, और सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके बड़े दिल की तारीफ कर रहे हैं कि मोहम्मद सिराज सिर्फ खिलाड़ी ही बड़े नहीं है, गेंदबाज ही बड़े नहीं है, वो बड़े इंसान भी हैं।